अस्सलाम वालेकुम साकिब मेहदी अली प्रोडक्शन में आपका इस्तकबाल है। फिलोसोफर ऑफ हैप्पीनेस, कई दिनों से दोस्तों ने कहा कि आपने फिलोसोफर ऑफ हैप्पीनेस खुश रहने के तरीके उसका प्रोग्राम नहीं लिए, एपिसोड नहीं लिए। 26 तो हो गए, 30 के ऊपर हो गए इंशाल्लाह। मैं आज के टॉपिक में फिलोसोफर हैप्पीनेस से एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ। एक ही बात में तीन बात है, मेक बिजी इन समथिंग क्रिएटिव वर्क, कि अपने आप को किसी अच्छे काम में मुनामिक रखो, रमज़ान में भी और रोज़ाना की ज़िंदगी में भी। जी, हमें अपनी इस दुनिया में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से कोई ये नहीं चाहता है कि वो नाराज़ रहे, दुखी रहे और खुशी उसके पास ना आए। अब खुशी हासिल करने का तरीका क्या है कि अपने आप को दो तरह के काम में इंसान मुलव्वस रखता है, एक तो अच्छे काम और दूसरे बुरे काम। तो अपने आप को अच्छे काम में बिजी रखो, छोटे बड़े, घर पर है बाहर है। आज घर देखे हमने, थोड़ा ख़राब है, चलो माँ की मदद कर देते, बोले घर साफ कर देते। आज घर पर है, चलो पानी भर देते हैं, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल आते हैं। तो अपने आप को अच्छे काम में मुलव्वस रखो, बनिस्बत इसके कि आप बुरे काम में मुलव्वस रहें कि चलो चार पांच लोग पत्ते खेलते बैठे वहाँ बैठेंगे, रम्मी खेलेंगे, नहीं, नमाज पढ़ लो आगे पीछे बिल्कुल अच्छे से नमाज पढ़ लो। उसके बाद किसी भी अच्छे काम में अपने आप को मुलव्वस रखो कि मैंने उर्दू का फोटेक बेसिक डाउनलोड किया, उससे अच्छे अच्छे उर्दू की खुद से तहरीर करते हुए इसे लिखूँगा, मजमून लिखूँगा। जैसे शादाब ने सोचा, अब शादाब ने वो लिखने लग गया तो उससे शादाब को भी खुशी होगी और उसका दिन भी अच्छा गुजरे। उसने अच्छे उर्दू के लेटर्स लिखा, उसको डिज़ाइन करके दिया, फिर दोस्तों को सेंड किया, उसकी तारीफ़ की गई। किसी अच्छे काम में बिजी रखो अपने आप को, खुद से क्रिएटिव बनो, मेक बिजी एंड क्रिएटिव। दो बातें कह रहा हूँ मैं आपको, हैप्पीनेस फिलोसोफर का सबसे अच्छा उसूल है। ज़्यादा सोचते मत बैठो। आपने संदीप माहेश्वरी के लेक्चर सुने, मेरे भी लेक्चर सुनो, ज़्यादा सोचो मत, सोना है सो जाओ। आप पीछे बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, किसी टेबल पे बैठे हैं या चारपाई पे बैठे हैं, सोचते मत बैठो, कोई किताब लो पढ़ लो। ज़्यादा थिंकिंग से आपकी खुद की परेशानी होती है, ज़्यादा मत सोचो, बिजी रहो। इसीलिए कहते हैं बिजी रहो किसी अच्छे काम में, क्रिएटिव वर्क्स, तख्लीकी काम। आज घर का पिसाना लाना है, लेकर आ गए तुमने, कभी आप पानी लाने चले गए, कभी आप बाज़ार चले गए सब्ज़ी लाने। तो अपने आप को क्रिएटिव वर्क में रखो, अच्छे क्रिएटिव वर्क में। कभी जंगल की सैर को चले गए, कभी खेत में चले गए, तो क्रिएटिव वर्क्स आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाता है। रात दिन बहुत ज़्यादा मोबाइल के दीवाने मत बन जाओ, ये उसी को देखते पड़ रहे हैं। मोबाइल में कई काम होते हैं, सिर्फ वीडियोस देखने से भी आँखें ख़राब होती है। उसमें कई काम होते हैं जो आपको कंप्यूटर का काम देते हैं। कभी कैरम खेल के टाइम पास कर सकते हैं आप, कभी उसमें कुरान भी पढ़ सकते हैं, कभी उसमें उर्दू के मज़मून भी खुद से लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं उसमें, आप क्रिएटिव बन सकते हैं खुद। आपका सिलेबस तक लिख सकते हैं जो याद हो गया आपको, उसकी फ़ोटो को भी निकाल सकते हैं। तो अपने आप को मेक बिजी एंड क्रिएटिव बिजी, अपने अंदर तख्लीकी सलाहियत लाओ, अच्छी तख्लीकी सलाहियत। तो वो तख्लीकी सलाहियत आपको अज़्म और हौसला देती है। जी, क्रिएटिविटी,
समथिंग बेस्ट कि मैं आज नींद में सो उठा हूँ तो आई डिड द समथिंग गुड एंड अच्छा जॉब कि मैं अच्छा काम करूँगा, अच्छी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ में रहूँगा दिन भर और वो मेरे मुस्कुराने की और खुश रहने की वजह होंगी। खाने की और खुश रहने की वजह होगी। सपोज मेरा नाम इकराम है, मैं मस्जिद में गया, देखा कि वहाँ आज कई दिनों से सफाई नहीं हुई, इतने जाले हो गए, हर जगह पे हाथ डालो तो जाले लगते हैं किधर भी वो मकड़ी के जाले। मैंने 50 जाले साफ कर दिया, एक घंटे में पूरी मस्जिद साफ करके पानी से धोया, तो खुशी हुई मुझे किसी अच्छे काम में अपना वक्त गुजारा एक घंटा। ऐसी एक्टिविटीज़ मेरे भाई का खेत है। मेरा नाम मुकीम है, मेरे बड़े भाई का नाम हसन है, उसका खेत है, मैं मुकीम खाली रहता हूँ, पढ़ते हुए बस घूमते फिरते एंजॉय करते रहता हूँ। बोले अब गाँव आए तो उसके खेत में गए, थोड़ा पानी मार दिए और थोड़ा पौधों की ईंटें खराब हो रही थी पौधे सही कर दिए। खेत का गोबर उठाने को नौकर बोलते वो काम नहीं करे, तो उससे क्रिएटिव एक्टिविटीज उससे आपका जहन और यकसुई होती है, आपको जीने का मजा आता है। मेक बिजी एंड क्रिएटिव एक्टिविटी इन योर लाइफ। और आप मेरे लेक्चर को संदीप महेश्वरी के लेक्चर से कंपेनी मत करना कि मैं उसके लेक्चर के आमने सामने आ जाता हूँ या मुकाबिल में। उसके हैप्पीनेस के उसूल और हैं, मेरे हैप्पीनेस के उसूल इस्लाम की थ्योरी को रखकर आसान बने हुए, और ना ही मैं उसकी नक्काली करना पसंद करता हूँ। मैं खुद तकलीकी जहन का हूँ। मेक क्रिएटिव एंड बिजी एक्टिविटीज, क्रिएटिव बिजी एक्टिविटीज। अच्छी गर्मी का मौसम आ गया तो बोले एक ने पूरा टकला करके आ गया, बोले 50 लोगों ने टकला कर लिए और बोले पूरी की पूरी कंजूसी, बोले 3 महीने की बेफिक्री हुई, बोले गर्मी की क्या ठंडी हवा आएगी, बोले बालों का टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन मैं गया, मैंने कहा भाई एकदम थोड़े कम बाल कर दे, मेहंदी की पूरी लगाया, मस्त ठंडी मेहंदी लगाया, खुश हो गया। रोज़ाना वो आदत लगा था, ठंडा और सुकून लगता, बाल भी रहते, चेहरे पर नज़र भी टिकती। किसी से बात करते हम तो उसको देखने को मन करता ना, वो चेहरे पे नज़र टिकी कब, तो बोले बाल रखने से। तो अच्छी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मुलविस रखो, उससे आपकी शनाख्त भी अच्छी होती है कि वो हमेशा अच्छे कामों में रहता है। मेक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ इन योर डेली लाइफ। जी ये खुश रहने की सबसे बेहतरीन और अच्छी एक्टिविटीज़ है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आज मैं बाइक सीखूँगा, कल कार सीखूँगा, परसों क्रिएटिव एक्टिविटीज़ इन योर माइंड्स। आज मैं बड़ी माँ के पान ला दूँगा, आज मैं बड़ी माँ के पान ला दूँगा, आज मैं मस्जिद में अजान दे दूँगा, आज मैं मस्जिद के गार्डन को पानी मार दूँगा। क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आज मैं चौक में नौजवान साफ सफाई कर रहे हैं वबा की वजह से, उनका साथ दूंगा। सारी दुनिया की चौक साफ कर रहे हैं, उनका साथ दूंगा। क्रिएटिव एक्टिविटीज तो उससे आपकी लाइफ को खुश रहने का मज़ा मिलेगा, मकसद मिलेगा। तो आप कहीं कुछ काम नहीं है, बैठे हुए ऐसे बोर, काम निकालने पड़ते हैं खुद से हमें कि हमें कौन से अच्छे काम करना है, तकलीफी काम करना है, शहर में हो या गांव में हो। तो आज के लिए इतनी ही, आप समझ गए होंगे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का मतलब। स्टूडेंट हैं तो स्कूली तौर पे अपने क्रिएटिव काम करते रहो आगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम तो होने वाले हैं, जितना भी टाइम का लॉस्ट हो हुकूमत कह रही है कि भाई आप घर पे पढ़ो। तो आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपना वर्क सर्व करो, चाहे आप जॉब करते हैं, कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ज़्यादा 300 हो जाए, इसी विलेज में ज़्यादा हो जाए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए।
आपके सब्सक्राइब करने से मेरी तनख्वाह आ जाएगी, मैं 34 साल का हो गया, अब शादी कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ खुश रहूँगा, चाहे इसी गांव में कहीं रूम लेकर रह लूँ या कहीं और रह लूँ, मुझे भी जीने कहाँ गए, हर कोई अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, जो बराबर है वो उनके हद तक बराबर रहेंगे, मैं मेरी ज़िंदगी मेरी कमा के बराबर रहूँगा। सॉरी मैं अपने वीडियो पर मेंटली असर लाता हूँ कुछ। खैर आज के लिए इतना ही, रखता हूँ, वस्सलाम, फिर हाजिर रहूँगा इसी एपिसोड के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वस्सलाम।